समस्या आम है। पहले तो पार्किंग में गाड़ी पार्क के लिए जगह नहीं मिलती और अगर मुश्किल से जगह मिल भी गई तो फिर गाड़ी निकालने में परेशानी अलग से। अब पटना नगर निगम ने पार्किंग की इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए मौजूदा 38 पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। पार्किंग की समस्या को पटना में दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, राजधानी की पार्किंग को अब स्मार्ट पार्किंग के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये फैसला नगर निगम ने लिया है और इसके लिए 38 पार्किंग को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम के इस फैसले पर आम लोगों ने खुशी जताई। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी अगर सरकार इसको मंजूरी देती है और या फिर यहाँ पे स्मार्ट पार्किंग करके कुछ बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आम जनता के लिए। ये अच्छा है और ये होना चाहिए और खास करके लिए पटना में जितना गाड़ी बढ़ रहा है उस हिसाब से ऐसा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। दरअसल राजधानी में जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से पार्किंग की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। फिलहाल राजधानी में पार्किंग की जिम्मेदारी पटना नगर निगम की होती है और वो दो पहिया सहित दूसरे गाड़ियों के लिए निश्चित रकम भी वसूल करता है। अब नगर निगम ने ही पटना की मौजूदा 38 पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। स्मार्ट पार्किंग की जिम्मेदारी निजी हाथों में होगी और 4 मार्च से लेकर 18 मार्च तक टेंडर डालने की तारीख तय की गई है। पटना नगर निगम क्षेत्र में 38 ऐसी पार्किंग है, वर्तमान पार्किंग है, जिसको स्मार्ट पार्किंग के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसमें लोगों को पेमेंट से लेकर एंट्री और एग्जिट तक सब कुछ डिजिटली इसकी सुविधा मिलेगी। तो मैन टू मैन इंट्रैक्शन कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये इस परियोजना को लाया जा रहा है। पटना नगर निगम का रिकॉर्ड रहा है कि यहां कई योजनाओं पर जोर शोर से काम भले ही शुरू होता हो लेकिन बीच में ही योजनाएं अटक जाती है। स्मार्ट पार्किंग के मामले में ऐसा ना हो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट पार्किंग राजधानी में शुरू हो गई तो पटना के लोगों को पार्किंग के नाम से होने वाली परेशानी का स्थायी समाधान मिल जाएगा। ये स्मार्ट पार्किंग कई नई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और इसे ऐप के माध्यम से भी बुक किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना।